नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अजय चौधरी आज फिर से आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के हूँ। देखिए दोस्तों, आरपीएससी के सेकंड ग्रेड के एसएसटी के अंदर जो फिलोसॉफी है उसमें थर्ड यूनिट के अंदर पहला टॉपिक है ग्रीक एथिक्स। ग्रीक एथिक्स का मतलब है ग्रीक नीति शास्त्र। ग्रीक एथिक्स में सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, ये तीन दार्शनिक हमें पढ़ने हैं। ये टॉपिक यूजीसी नेट सेट के लिए भी समान रूप से उपयोगी है। देखिए, इसमें जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो हम इस चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखिए दोस्तों, हमें पढ़ना है सुकरात का नीति शास्त्र। ये हमारी थर्ड यूनिट आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी का पहला टॉपिक है ग्रीक एथिक्स। इसमें से एक क्वेश्चन 100% हमेशा आता है, हर साल आता है इसमें से। देखिए सुकरात का नीति शास्त्र, देखिए नीति शास्त्र में पहले तो आप थोड़ा सा इसको समझिए कि नीति शास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है। तो नीति शास्त्र में हमेशा कर्मों का अध्ययन किया जाता है। कर्म जो भी हम करते हैं, हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म का क्या फल मिलता है, इस जन्म में मिलता है, अगले जन्म में मिलता है, अच्छे कर्मों का अच्छा फल, बुरे कर्मों का बुरा फल, यानी नीति शास्त्र में पूरी तरह से कर्मों का अध्ययन किया जाता है। देखिए सुकरात अपनी नीति मीमांसा में, मीमांसा से मतलब यहाँ विवेचना से है, आप इसको विवेचना समझिए या ज्ञान समझिए। सुकरात अपनी नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता की बात करते हैं। जैसे सुकरात की जो ज्ञान मीमांसा है जिसमें ज्ञान की बात की जाती है, तो उसमें सुकरात ज्ञान की विशेषता बताते हैं कि ज्ञान वो ही होगा जो कि सार्वभौमिक होगा। यानी जैसे मान लीजिए गणित है, 2 + 2 = 4 हैं, आप चाहे भारत में देखिए, चाहे ब्रिटेन में चले जाइए या अफ्रीका चले जाइए, 2 + 2 = 4 है तो 2 + 2 = 4 ही होगा हर जगह। तो जिस तरह से मैथ के अंदर सार्वभौमिकता है, उसी तरह ज्ञान की विशेषता भी है कि वह सार्वभौमिक होना चाहिए। जैसे कि हमें सत्य बोलना चाहिए, तो इस चीज़ को कोई सा भी कंट्री नकार नहीं सकता। तो इन्होंने कहा था कि ज्ञान जो है वो सार्वभौमिक होना चाहिए। उसी प्रकार से सुकरात अपनी नीति मीमांसा, अपने एथिक्स के अंदर भी सार्वभौमिकता की बात करते हैं। इससे पहले आप एक बार जो चार सद्गुण हैं ये देखिए, ये टर्म बार बार आएगी, सुकरात, प्लेटो और अरस्तु, तीनों में सद्गुण के बारे में आएगा। सद्गुण से मतलब है अच्छे गुण। चार सद्गुण स्वीकार किए गए हैं नीति शास्त्र में। अभी एक बार सुकरात को नहीं, सिर्फ सद्गुण देखिए। विवेक, विवेक को प्रज्ञा भी कहते हैं, साहस, संयम और न्याय। विवेक नामक सद्गुण से मतलब है जिस व्यक्ति के अंदर बुद्धि की प्रधानता हो, विवेक की प्रधानता हो, उसमें विवेक नामक सद्गुण पाया जाएगा। साहस नामक सद्गुण से तात्पर्य जिसमें शौर्य हो, जिसकी भुजाओं में बल हो, जैसे सैनिक है, योद्धा है, तो उसमें साहस नामक सद्गुण की प्रधानता है। तीसरा आता है संयम। संयम के अंदर जो उत्पादक वर्ग है, बाकी जो बच गए, उत्पादक वर्ग हो गया किसान, सेवा करने वाले लोग, ये सब इस संयम के अंतर्गत आते हैं। तो जिस व्यक्ति के अंदर विवेक की प्रधानता है, वो वहाँ का जो शासक वर्ग है उसका भार ग्रहण करे या बुद्धि वाले कार्य करे, साहस की प्रधानता है, संयम की है। जब ये तीनों व्यक्ति जिसमें जिस जिस सद्गुण की प्रधानता है, तीनों अपना अपना काम करेंगे, तो उस समाज या देश में किसकी स्थापना हो जाएगी? न्याय की स्थापना हो जाएगी। अब देखिए, इनमें से सुकरात, प्लेटो, अरस्तु में से कौन से किस किस सद्गुण को मानते हैं, किस रूप में मानते हैं, इसको हमें एक बार देखना है। अब देखिए वापस वहीं आते हैं हम। तो सुकरात कहते हैं कि जिस तरह से ज्ञान मीमांसा में सार्वभौमिकता होती है, उसी प्रकार से नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता की बात ये करते हैं। अब सुकरात आगे कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है, और इस चीज़ से कोई नकार नहीं सकता कि कोई व्यक्ति जीवन में दुख चाहता है, कि यहाँ हर व्यक्ति जीवन में सुख चाहता है। लेकिन सुकरात कहते हैं कि वो सुख कैसा होना चाहिए? वो सुख होना चाहिए सार्वभौमिक कल्याण का। आप केवल अपने सुखों के लिए काम नहीं करें, पूरे समाज के लिए, पूरे देश के सुखों के लिए काम करें, वो है सार्वभौमिक कल्याण। ये तो सुकरात सार्वभौमिक कल्याण की बात करते हैं।
यानी अपने सुखों के साथ साथ हमें दूसरे के सुखों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो व्यक्ति दूसरों के सुखों का ध्यान कैसे रखेगा? तब सुकरात कहते हैं कि जब व्यक्ति सद्गुणों के अनुसार आचरण करेगा तब सार्वभौमिक कल्याण होगा। तो सद्गुण आपको मैं चार बता चुका हूँ, विवेक, साहस, संयम और न्याय। जब व्यक्ति सद्गुणों के अनुसार आचरण करेगा तब वह सार्वभौमिक कल्याण कर पाएगा। तब यह आता है कि वह सद्गुणों के अनुसार आचरण कब करेगा? तो सद्गुणों के अनुसार आचरण कब करेगा? जब उसे सद्गुणों का ज्ञान होगा। अर्थात ज्ञान सद्गुणों की पूर्व मान्यता है, यह कह सकते हैं। यानी इन्होंने कहा कि सद्गुणों के अनुसार आचरण कब करेगा? जब उसे सद्गुणों का क्या होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ज्ञान सद्गुणों की पूर्व मान्यता है। अब कहते हैं कि उसे सद्गुणों का ज्ञान भी कब होगा? जब उस व्यक्ति को सद्गुणों की शिक्षा दी जाएगी। उसे सद्गुणों का ज्ञान कब होगा? जब उसे सद्गुणों की शिक्षा दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि सद्गुणों, अगर कोई व्यक्ति है और वह सार्वभौमिक कल्याण नहीं करता तो वह इस चीज का बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो सद्गुणों के बारे में ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान नहीं था तो उसे सद्गुणों की शिक्षा ली लेनी चाहिए थी। वह एक्सक्यूज नहीं कर सकता इस चीज़ के लिए। तो जब उसे सद्गुणों की शिक्षा दी जाएगी, यानी हम फाइनली ये कह सकते हैं कि जो सद्गुण है वो प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः सद्गुण है वो प्राप्य है। ये सुकरात के पूरे चैप्टर का जो ग्रीक एथिक्स है उसका ये सार है इस चैप्टर में। इसमें हमने हर चीज़ को कवर किया है। एक बार फिर से देखिएगा इस चीज़ को कि सुकरात जिस तरह अपनी ज्ञान मीमांसा में भी सार्वभौमिकता की बात करते हैं कि ज्ञान की विशेषता होती है कि वह सार्वभौमिक होता है, उसी प्रकार से नीति मीमांसा में भी सार्वभौमिकता होती है। हमें कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए, यह भी एक यूनिवर्सल चीज़ है। फिर कहते सुकरात कहते हैं कि जो प्रत्येक व्यक्ति है वो हमेशा जीवन में सुख चाहता है, दुख कोई नहीं चाहता। तब सुकरात कहते हैं कि सुख कैसा होना चाहिए? वो सुख होना चाहिए सार्वभौमिक कल्याण, सामाजिक कल्याण। अर्थात अपने सुख के साथ साथ हमें दूसरे के सुखों का भी ध्यान रखना चाहिए। फिर ये आता है कि व्यक्ति ये सार्वभौमिक कल्याण कैसे करेगा? जब व्यक्ति सद्गुणों के अनुसार आचरण करेगा। सद्गुणों के अनुसार आचरण कब करेगा? जब उसे सद्गुणों का ज्ञान होगा। यानी हम कह सकते हैं कि ज्ञान सद्गुणों की पूर्व मान्यता है। पहले ज्ञान आएगा फिर सद्गुण आएगा, और इसीलिए सुकरात कहते हैं कि ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। फिर यह कि उसके सद्गुणों का ज्ञान कब होगा? जब उसे सद्गुणों की शिक्षा दी जाएगी। अर्थात फाइनली हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि सद्गुण जो है वो प्राप्त किए जा सकते हैं, सद्गुण प्राप्य हैं। अब देखिए इसके बाद में सुकरात की कुछ महत्वपूर्ण लाइनें हैं जो कि एग्जाम में पूछता है कि यह कथन किसने कहा है या यह कथन किसका है। तो देखिए इसके मुख्य मुख्य जो कथन है, सुकरात के जो मुख्य मुख्य कथन है, पहला सुकरात कहते हैं मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। सबसे प्रमुख इनका कोटेशन आता है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूं क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है। दूसरा कोटेशन है ज्ञान ही सद्गुण है। तीसरा कोटेशन है ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। इसके अतिरिक्त एक ये भी है, स्वयं को जानो, यानी नो योर सेल्फ। ये भी सुकरात का है, स्वयं को जानो, अपने आप को जानो। एक कोटेशन इनका ये भी है, अज्ञान सबसे बड़ा पाप है।
तो ये इनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण कुछ कोटेशन हैं। इसके अलावा एक और है कि सुकरात के अनुसार मुख्य सद्गुण एक ही हो गया, मुख्य सद्गुण एक है और वह है ज्ञान। इसलिए सुकरात कहते हैं ज्ञान ही सद्गुण है। सुकरात अपने ज्ञान नामक सद्गुण में विवेक, साहस, संयम और न्याय, उन चारों सद्गुणों को इस ज्ञान के अंदर ही इंक्लूड कर देते हैं। तो उनके अनुसार मुख्य सद्गुण एक ही हो गया ज्ञान, और इसी ज्ञान में बाकी चारों सद्गुण आ गए। एक इसके अलावा वो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि सुकरात ने कोई पुस्तक लिखी या नहीं लिखी है। तो सुकरात ने कभी कोई पुस्तक नहीं लिखी, सुकरात ने कभी भी कोई पुस्तक नहीं लिखी। तो फिर हमें इनके बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? सुकरात के शिष्य थे प्लेटो। प्लेटो के जो भी ग्रंथ हैं उनमें हमें सुकरात के बारे में जानकारी मिलती है। ये इतना जो भी मैंने इतनी देर से यहाँ पढ़ाया है वो सारा हमें प्लेटो के ग्रंथों के माध्यम से जानकारी मिलती है कि सुकरात के द्वारा ये कथन और ये उनका दर्शन था। अब देखिए पिछले सालों के जो आके आरपीएससी सेकंड ग्रेड एसएसटी में सुकरात के नीति शास्त्र से जो आए हुए क्वेश्चन हैं, हर साल एक क्वेश्चन आता है ये श्योर है, और 100% इसमें से एक क्वेश्चन ज़रूर आएगा। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ कि लास्ट ईयर कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। तो एक क्वेश्चन ये है कि मैं सबसे बड़ा ज्ञानी हूँ क्योंकि मुझे मेरे अज्ञान का ज्ञान है, यह कथन है। ए प्लेटो, बी अरस्तु, सी सुकरात और डी सोफिस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी सुकरात। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को अभिव्यक्त करता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सुकरात के मत को अभिव्यक्त करता है? ए ऑप्शन है, ज्ञानी व्यक्ति सद्गुणी हो यह अनिवार्य नहीं है। बी, सद्गुणी व्यक्ति ज्ञानी हो यह अनिवार्य नहीं है। सी, जीवन में सफलता के लिए ज्ञानी होना आवश्यक है। और डी, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। तो इसमें सबसे राइट आंसर जो होगा वो डी होगा, और मैंने आपको कोटेशन बताई भी है, ज्ञान ही सद्गुण है और सद्गुण ही ज्ञान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुकरात के अनुसार असत्य है, यानी ये पूछ रहा है कि सुकरात के अनुसार असत्य यानी कौन सा गलत है? ज्ञान ही सद्गुण है, ये बिल्कुल सही है। बी ऑप्शन, सद्गुण सार रूप से एक हैं, ये मैंने आपको अभी बताया था कि मुख्य सद्गुण एक ही हो गया ज्ञान, और इसी के अंदर इन्होंने बाकी चारों सद्गुण को इंक्लूड कर लिया। तो सद्गुण सार रूप से एक हैं, ये भी सही है। सद्गुण शिक्षणीय है, हमने आपको पहले ही बता दिया कि सद्गुण जो है उनकी शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, यानी सद्गुण प्राप्य है। कोई व्यक्ति बहाना नहीं बना सकता कि मुझे तो सद्गुणों का ज्ञान नहीं था तो शिक्षा लेनी चाहिए थी। तो सद्गुण शिक्षणीय है, बिल्कुल सही है। और डी है, सद्गुण अप्राप्य हैं। अप्राप्य से मतलब हो गया कि सद्गुणों को प्राप्त नहीं किया जा सकता, ये ऑप्शन गलत हो गया क्योंकि सुकरात के अनुसार सद्गुण प्राप्य हैं। तो दोस्तों आज इसी के साथ हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुआ है, और इस वीडियो के अंदर सुकरात के नीति शास्त्र से रिलेटेड हमने सारी चीज़ें इंक्लूड की है। तो बस इसी तरह आप इसको ध्यान से 2-3 बार रिवाइज करेंगे और लास्ट ईयर के क्वेश्चन इसे रिलेटेड सोल्व करेंगे, तो आपके ये टॉपिक अच्छे से तैयार हो जाएगा। धन्यवाद।